पांडुर्ना का एंकर है। जिले के पांडुर्ना में प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी मोरडोंगरी में हुए 1,27,00,000 रुपए घोटाले वाले मामले में किसान अपनी जमा पूंजी लौटाने को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। कृषि उपज मंडी के गेट के सामने ये धरने पर बैठे हैं। कृषि उपज मंडी के गेट के सामने धरने पर बैठ गए। धरना शुरू होने से पहले प्रभारी पुलिस SDOP और तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाइश देकर धरना रद्द करने की मांग की, परंतु परेशान किसानों ने अधिकारियों की बात नहीं सुनी और धरना आंदोलन पर डट गए। हमारी प्रमुख मांग है, सबसे पहली मांग है कि सभी खाते धारक उनको सबका पैसा एक एक पाई करके मिला जाए और केंद्रीय सहकारी बैंक छिंदवाड़ा महाप्रबंधक इनसे निवेदन है कि उनके जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करके हर खाता धारक इनका पैसा पाई पाई चुकाया जाए। हम लगातार 6 महीने से 8 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं, 10 बार यहाँ जनपद पंचायत तहसील परिसर जिला सहकारी बैंक पांडुर्ना आ चुके हैं, पर हमारी मांग जो है अभी तक अपूर्ण है। हमको अधिकारी द्वारा लगातार बरगलाया जा रहा है कि 10,000 ले लीजिए, 5,000 ले लीजिए, पर सभी खाता धारक, मैं इनकी ओर से बोलता हूँ कि इनको कहना है कि भाई हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए। किसानों और प्रशासन के बीच दिन भर मान मनवाला चलता रहा। अधिकारी कोविड महामारी को लेकर धरना समाप्त करने के लिए किसानों से अपील करते रहे, परेशान किसानों ने एक ना सुनी। पिछले 4 वर्षों से मोरडोंगरी सोसाइटी प्रबंधक अरली पीक ने मिलकर किसानों के द्वारा खेती में कमाई गई राशि का दुरुपयोग का बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध में 420 के साथ ही कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया, परंतु किसानों को उनकी जमा पूंजी कैसे प्राप्त होगी इस बात को लेकर कई योजना नहीं बनाने के कारण किसान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कितने पैसे हैं आपके जमा? मेरे 1.5 लाख है। कब से जमा है ये? ये मेरे 2012 से वैसा चालू है हमारा खाता। अच्छा, वो मेरी कहने का मतलब 1.5 लाख रुपया जमा है मेरा। तो लौटाने के लिए अब क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि अब देंगे वहाँ देंगे। अच्छा। वहाँ मेरे लड़के की शादी हो गई, नहीं दिया। हाँ। मैंने बोला मेरे को 60 ओवरडू हो गई। हाँ। ये बोले 5,000 ले, 4,000 ले, 4,000 में 1 लाख रुपया भाई कैसा है वो, 5 लाख से क्या करूँगा, मोरडू हो रही है। अच्छा, पैसा नहीं दे रही वो, क्या करेंगे हम। मोरडोंगरी सोसाइटी में 4 गांव के किसानों के खाते हैं। फरवरी महीने में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था, लेकिन जांच के बाद भी 4 महीनों की देरी से दर्ज किया गया, जिससे किसान बहुत नाराज है। अब देखने वाली बात है कि किसान और प्रशासन के बीच कब तक तानातनी चलती है। इन बीच न्यूज के लिए पांडुर्ना से जितेंद्र अतकरी की रिपोर्ट।